थाना कमलानगर क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि पुत्री का कोई अपहरण करके ले गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 48 घंटे के भीतर ही नागपुर जीआरपी की मदद से बच्ची को सकुशल खोज निकाला और उसके परिजनों के सुपुत्र कर दिया। बच्ची को पाकर परिजनों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि थाना कमलानगर क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों एक बच्ची का अपहरण हो गया था, जिसके चलते परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना थाना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश में जुट गई थी। थाना पुलिस टीम बनाकर लगातार बच्ची की तलाश में जुट गई थी, तभी पुलिस को पता चला कि अपहरणकर्ता युवक बच्ची को लेकर दिल्ली से तमिलनाडु एक्सप्रेस में बैठ गया है। पुलिस आरोपी युवक को फॉलो करते हुए नागपुर पहुंची और नागपुर जीआरपी की मदद से पुलिस ने बच्ची को सकुशल रिहा कराया था। देखिए, दिनांक 15 जनवरी 2024 को थाना कमलानगर पर सूचना मिली कि एक 2 वर्ष की बच्ची है, उसको किसी युवक ने उसका अपहरण कर लिया है और लेकर चला गया है। ये सूचना इस बच्ची की माँ ने दी। जानकारी करने पर यह पता हुआ कि ये युवक जो है इस बच्ची के माँ का पुराना मित्र है, जानने वाला है, और किसी कारण से उसको ब्लैकमेल कर रहा था और इसीलिए उसकी बच्ची को लेकर चला गया। जब इसमें और गहनता से पड़ताल की गई तो पता चला कि ये युवक दिल्ली से इसने तमिलनाडु एक्सप्रेस पकड़ ली है ट्रेन और बच्ची को लेकर जा रहा है, और इस युवक के पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। तत्काल थाना कमलानगर पुलिस की पुलिस टीम बनाई गई और टीम ने इस युवक को फॉलो करते हुए खुद टीम ट्रेन में बैठी और तमाम जो सारे स्टेशन थे उनके जीआरपी कंट्रोल रूम से संपर्क में रही, और आखिरकार इसको 48 घंटे के अंदर टीम ने नागपुर जीआरपी की मदद से पकड़ लिया और हमारी टीम वहां जाके बच्ची को सकुशल ले आके उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। इस अच्छी गुड वर्क के लिए इस पूरी टीम को 25,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड मेरी तरफ से दिया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त नगर सूरज राय ने बताया कि थाना पुलिस को जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपहरणकर्ता बच्ची को लेकर दिल्ली